इश्तेहार किवें लिखिए। अज दे युग नू इश्तेहारबाजी दा युग कहा जांदा है। किसे अखबार जा मैगजीन दे पन्ने फोलो तां भांत भांत दे इश्तेहार छपे मिलणगे। शनिचरवार ते ऐतवार दे अंकां विच तां अनेकां पन्ने इश्तेहारां नाल ही भरे हुंदे हन। कई लोग तां शनि ते ऐतवार दा अखबार धियां पुत्तां दे व्याहां लई रिश्तियां दे इश्तेहार वेखण लई ही लैंदे हन। इंटरनेट ते इश्तेहारां दियां अनेकां ही साइटां चलदियां हन जिथे व्याह संबंधी अते होर भांत भांत दे इश्तेहार दित्ते हुंदे हन। ये इश्तेहार मुख तौर ते दो प्रकार दे हुंदे हन। एक तां ओह जिहड़े किसे ने निजी छपवाए हुंदे हन जिवें व्याह संबंधी, गुम गई किसी वस्त संबंधी, ना बदलन संबंधी, करजा असामिया, जमीन विकाऊ की सूचना बारे, कतूरे विकाऊ आदि बारे। दूजे इश्तेहार प्राइवेट ज सरकारी संस्थावां दे हुंदे हन। निजी इश्तेहार लिखण की लोड़ आम नागरिक नूं पैंदी है। इश्तेहारबाजी तरह तरह के साधना राही की जाती है। इन्हां विच्चों अखबार, रेडियो अते टीवी मुख साधन हन। इश्तेहार क्यों दिते जाते हैं? आम अर्थां विच इश्तेहार नूं मशहूरी कहा जाता है, भाव किसी चीज़ जां गल बारे सूचना बहुतियां तक पहुँचाउणी। इश्तेहार राही असीं किसी सूचना नूं वधेरे लोकां तक छेती पहुँचा सकते हाँ। पहले समयां विच ढोल वजा के पहला लोकां दा ध्यान खिंचिया जांदा सी, फिर उच्ची आवाज़ विच सूचना सुना दित्ती जांदी सी। इस नूं मुनादी करना अर्थात टंडोरा जां डौंडी पिटना कहा जांदा सी। पर यह मुनादी कीती सूचना ज़्यादातर हाकमां दे हुक्म दे रूप विच ही हुंदी सी। अजोकी इश्तेहारबाजी वनगी ते पसार पक्खों काफ़ी भिन्न है। वड्डी गिणती विच छपदियां अखबारां, रसाले अते दूर दूर तक प्रसारण करदे रेडियो टीवी जिहे साधना सदका इश्तेहार दे रूप विच कोई भी सूचना लखां लोकां तक सहजे ही पहुँचाई जा सकती है। वर्दी चोण संबंधी सूचना देण दा ही मसला लईए, बीते समय विच योग वर्दी ढूंढ लई नाई, ब्राह्मण, रिश्तेदारां ते जाण पछाण दे लोकां ते निर्भर रहना पैंदा सी। हुण थोड़े खर्च नाल व्याह संबंधी इश्तेहार छपवा के ये सूचना हज़ारां लखां परिवारां तक पहुँचा दित्ती जांदी है। कई वार अपना अता पता इश्तेहार विच देण दी थां बाक्स नंबर दे दिता जांदा है अते इश्तेहार विच केवल बाक्स नंबर ही छपदा है। इश्तेहार दे उत्तर विच सारियां चिट्ठियां बाक्स नंबर अनुसार अखबार दे पते ते भेजियां जांदियां हन। अखबार वाले ये चिट्ठियां इकट्ठियां करके संबंधित धिर नूं भेज दिंदे हन। इस नाल इश्तेहार देण वाले दा ओला बनिया रहिंदा है। निजी इश्तेहारां दे अनेकां विशे हो सकते हन, इन्हां दी कोई सीमा नहीं। समाजिक तब्दीलियां अनुसार नवें तो नवें विशियां बारे इश्तेहार दित्ते जांदे हन। ये इश्तेहार किसी समय दियां समाजिक लोड़ां जां समाजिक तब्दीलियां दा शीशा भी हुंदे हन। उदाहरण वजों पिछले सालां तों माता जां पिता वल्लों अपने किसे पुत जां धी नूं अपनी चल अचल जायदाद तों बेदखल करन दे इश्तेहार वधे हन। ये वध रहे समाजिक तनाव वल संकेत करदे हन। अखबारां रसालियां च छपदे इश्तेहारां ते अमल करन तों पहलां तत्थां दी पड़ताल कर लैणी चाहीदी है। इश्तेहार लिखदे समें वाधू विस्तार तों बचना चाहीदा है। इश्तेहार विच सिर्फ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੀਏ। ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਜੱਟ ਸਿੱਖ 25, 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੜਕੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ। ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ 215, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ, ਜਲੰਧਰ। ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ। ਅਰੋੜਾ ਲੜਕੀ, 22, 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ, BA ਪਾਸ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਛੇਤੀ। ਸੰਪਰਕ ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ, ਵਾਸੀ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਮੋਗਾ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟ ਕਰਨ। ਕਾਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ, ਮਾਡਲ 2021, ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਘੱਟ ਚੱਲੀ, ਅਲਾਏ ਵੀਲ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੱਲੀ ਕਾਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ। ਸੰਪਰਕ ਮਕਾਨ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 5 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ 3 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਲੱਕੜ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ। ਚਾਹਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਪਰਸ ਲੱਭਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਸ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਗਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਹਨ। ਪਰਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਕੇ ਪਰਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ, ਮੋਗਾ।